हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको गोवा के सिचुएशन क्या है कोविड रिलेटेड इसका इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। साथ ही में लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि गोवा का जो लॉकडाउन है, कर्फ्यू जो है, वो 7 जून तक एक्सटेंड हो चुका है, जो कि वहाँ के CM ने अनाउंस किया था। तो इसी के साथ में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोवा का लॉकडाउन खुल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मैं गेस लगा रहा हूँ सिर्फ। मैं आपको सबसे पहले, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र की सिचुएशन बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के में जो है, अगर कोविड के पेशेंट के केसेस जितने भी निकल रहे हैं, मतलब जितने टेस्टिंग हो रहा है, उसमें अगर बिलो 10% वहाँ पर पॉजिटिव रेट होता है, एंड देन जो भी हॉस्पिटल्स है उनके 40% बेड अगर खाली होते हैं, ये दो टर्म्स है कि 10% पॉजिटिव रेट होना चाहिए जितने भी टेस्टिंग हो रहा है, और 40% बेड वहाँ पर खाली होना चाहिए जो भी सिटी में है, सो वहाँ का लॉकडाउन खुल सकता है। वहाँ के जो कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कौन कौन से शॉप्स को या कौन कौन से मार्केट को ओपन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। तो माइट बी अगर सेम चीज़ गोवा में होती है तो माइट बी गोवा गवर्नमेंट भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैटर्न कॉपी कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैटर्न बहुत सारे स्टेट में कॉपी किया गया है लॉकडाउन के दौरान। सो हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ सिटीज़ जो है वो येलो जोन में है, कुछ रेड जोन में है, तो जो येलो जोन के जो सिटीज़ है वहाँ पे लॉकडाउन खोलने के लिए ऐसी चर्चा हो रही है अभी 1 जून से। तो देखते हैं, आज तो 31 है, आज हमारे यहाँ पे कलेक्टर वगैरह जो भी होते हैं कमिश्नर, उनकी मीटिंग होने के बाद में और जो भी डिसीजन है वो लेंगे सिटी लेवल पे। लेकिन अगर ये स्टेट लेवल पे भी करना है तो माइट बी गोवा गवर्नमेंट कर सकती है, अगर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है अभी तो वो गोवा गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो इसी उम्मीद के साथ हम ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि ये जो नंबर्स है, अगर कोविड के पेशेंट कम होते हैं तो माइट बी गोवा बहुत जल्द ओपन होगा और सारे टूरिस्ट गोवा आ सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द पेशेंट्स कम हो और गोवा पहले जैसा चालू हो। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सेफ रहिए और जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और जल्द से जल्द गोवा चालू हो, ऐसी दुआ कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा, ट्रैवलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।